हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लाए हैं स्टूडेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो म्यू टेस्ट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब ये जो म्यू टेस्ट है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, मतलब हमारा जो द्वितीय प्रकार का विषम समाकल होगा उससे रिलेटेड हम लोग जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंस फाइंड करने का जो तरीका होता है उसके लिए म्यू टेस्ट लाए हैं। ठीक है, तो ये म्यू टेस्ट का होता क्या है देखेंगे और किस तरीके से सॉल्व करना है उस पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। हमारे पास म्यू टेस्ट का होता क्या है उसके बारे में ध्यान दें तो म्यू परीक्षण, ठीक है, या म्यू टेस्ट। सबसे पहली बात, आपके पास ए टू बी एफ ऑफ एक्स और डी एक्स ये इंटीग्रल दिया रहेगा, जहां पे ये जो एफ ऑफ एक्स है वो डिफाइन नहीं होगा। कहां पे डिफाइन नहीं होगा, हो सकता है कि एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफाइन ना हो सकता है कि एक्स इज इक्वल टू बी पे डिफाइन ना हो। यदि इन जगह में नॉट डिफाइन हो, मतलब परिवर्तन ना हो, मतलब इसको बोला जाए ये अनबाउंडेड हो, इस केस में यहाँ पे अनबाउंडेड हो, अनबाउंडेड मतलब बोला जाए अपरिबद्ध हो, फंक्शन जो हो क्या हो अपरिबद्ध, तो उस केस में हम क्या करेंगे म्यू टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। म्यू टेस्ट का उपयोग हम करते हैं तो म्यू टेस्ट में हम ध्यान देंगे एक्स टेंस टू यहाँ पे हम लिखेंगे और ए पॉजिटिव लिखेंगे, एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव यहाँ पे लिखेंगे x टू द पावर में म्यू। ठीक है, ये x टू द पावर में म्यू ना लिख के हम ऐसा भी कर सकते हैं x माइनस ए टू द पावर में म्यू करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे f ऑफ x, इसकी जो वैल्यू होगी वो आना चाहिए फाइनाइट। क्या आना चाहिए फाइनाइट, यदि फाइनाइट आता है तो उस केस में हम म्यू लेस देन वन हो तो उस केस में ये क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, जो इंटीग्रल होगा वो कन्वर्जेंट होगा या अभिसारी होगा। ठीक है, दूसरी केस हम बात करते हैं यदि म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल वन हो तो उस केस में जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा डाइवर्जेंट होगा या फिर अपसारी होगा। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा अपसारी होगा, है ना। ऐसी बात करते हैं, ध्यान दें यदि हमारे पास लिमिट हो और x टेंस टू, यदि देखें दो तरीके के होंगे कि x पर वो अनडिफाइंड हो तो हम x इज इक्वल टू a पे चेक करेंगे इसको, है ना, और यदि x के अलावा b पे अनडिफाइंड हो तो x इज इक्वल टू b पे चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू b नेगेटिव और x b माइनस x लिखेंगे यहाँ पे b माइनस x म्यू f ऑफ x, और ये फाइनाइट होना चाहिए, और ये फाइनाइट होता है तो उस केस में म्यू लेस देन वन पे कन्वर्जेंट होगा जो इंटीग्रल दिया रहेगा वो, और म्यू ग्रेटर देन वन पे ये यही इंटीग्रल क्या बनेगा डाइवर्जेंट हो जाएगा या अपसारी होगा या फिर इसी को हम बोलेंगे अभिसारी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये तरीके होते हैं म्यू टेस्ट का। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे इसी से रिलेटेड तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट। ठीक, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो रविशंकर यूनिवर्सिटी में 2015 में पूछा गया है। 0 to 1 डी एक्स रूट एक्स एंड देन 1 - x, ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहें तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात हमको चेक करनी है कि ये कहाँ कहाँ अनबाउंडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप डायरेक्ट x की वैल्यू 0 रखते हो तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट आएगा। लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, और वैसे ही लिमिट आप रखते हो x टेंस टू 1 एफ ऑफ x तो यहाँ भी इनफाइनाइट होगा। क्यों, क्योंकि x का मान 0 रखने पे ये क्या हो जाएगा 1/0 दैट इज इनफाइनाइट। ये भी 1 - ये भी 1 रखते हो आप, x की वैल्यू 1 रखते हो तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 होगा और ऊपर में 1 तो 1/0 दैट इज इनफाइनाइट, दोनों ही केस में इनफाइनाइट हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स जो होगा वो अनबाउंडेड हो जाएगा दोनों ही केस में, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 पर भी और एक्स इज इक्वल टू 1 पर भी, है ना, तो दोनों केस में वो क्या हो रहा है अनबाउंडेड। अब ऐसा यदि होता है तो हम एक्स इज इक्वल टू 0 पर भी
चेक करने वाले हैं कन्वर्जेंट है या नहीं, ये भी चेक करेंगे यहाँ पे जीरो पर भी, और x इज इक्वल टू वन पे भी चेक करेंगे ये कन्वर्जेंट है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, x इज इक्वल टू जीरो पे चेक करने के लिए आप म्यू इज इक्वल टू लेने वाले हैं। ठीक है, म्यू क्या होगा वो चेक करने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी बात, म्यू चेक करने से पहले आप एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा इसी को लिखिएगा, तो वन अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू हम मान लेंगे वन अपॉन रूट एक्स और रूट वन माइनस एक्स, एंड इसके पावर को रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर वन बाई टू और इसको वन माइनस एक्स टू द पावर वन बाई टू ऐसा लिख लेंगे। अब इसके बाद आपको म्यू इसी को चेक करके माननी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे यदि वो अनबॉन्डेड है, तो जहां पे वो अनबॉन्डेड है ऐसे एक्स के पावर को चेक करना, जैसे मैं यहां पे जीरो रखने से वो अनबॉन्डेड हो जा रहा है तो इसके पावर को चेक करूंगा और जो भी इसके पावर होगा वही म्यू होगा। ठीक है, ध्यान रखनी है कि एक्स के पावर को आपको चेक करनी है और वही उसका क्या हो जाएगा म्यू बन जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू वन बाई टू लिखेंगे और हम लिमिट अप्लाई करेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, तो ए के जगह में क्या है, ए के जगह में यहाँ है जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, जीरो से ज्यादा होगा तो जीरो पॉजिटिव लिखेंगे, एक्स टू द पावर में आप लिखेंगे एक्स माइनस जीरो का पावर म्यू और एफ ऑफ एक्स, इसकी जो वैल्यू होगी वो फाइनाइट आनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू को फाइनाइट लाने के लिए हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, तो जीरो पॉजिटिव वाला जो होगा वो उसको वैसे ही रहने दो, यहाँ पे होगा एक्स पावर में वन बाई टू, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आप लिखेंगे एक्स टू द पावर वन बाई टू, वन माइनस एक्स टू द पावर वन बाई टू, ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे बचेगा ये। अब जीरो पॉजिटिव है उसको आप एच में भी चेंज कर सकते हो, जैसे इसमें बुक में आपको एच में चेंज ना करके फ्लान में चेंज किया है, तो मतलब एक ही है, आप चाहो तो एच में चेंज करो, राइट हैंड लिमिट जैसे निकालते हो उसी तरीके से, तो एच में जैसे आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा वन माइनस, यहाँ पे लिखोगे जीरो प्लस एच। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है पावर होल पावर में वन बाई टू है। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो वैल्यू पुट कर सकते हो, तो वन माइनस जीरो हो जाएगा पावर में, ये आपका वन बाई टू यदि आप लिमिट पुट करते हैं, तो ये लिमिट पुट कर दिए तो जीरो हुआ, तो आंसर आएगा वन और वन के पावर वन बाई टू दैट इज वन, है ना। तो ये वैल्यू मिला फाइनाइट, फाइनाइट वैल्यू मिल गया, और फाइनाइट वैल्यू होने से हमको म्यू को ही चेक करना है, यदि म्यू इज लेस देन वन, क्योंकि वन से छोटा ही है, क्योंकि वन बाई टू है और वन बाई टू जो है वो वन से छोटा होता है, तो इस केस में जो हमारा जो सीरीज दिया गया है जीरो टू वन, और अच्छा इसको दो पार्ट में आपको डिवाइड करनी है, क्योंकि जीरो टू वन में हमने वन पे चेक नहीं किया है, केवल जीरो पे चेक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करेंगे किसके बारे में, जीरो टू वन और डी एक्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स टू द पावर वन बाई टू, वन माइनस एक्स टू द पावर वन बाई टू, इसको आप समझिए जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स और डी एक्स समझ लो, मतलब यही वैल्यू, और नेक्स्ट वाला जो होगा वो ए से आपका वन है और एफ ऑफ एक्स है, मतलब पूरा ये वैल्यू जो जो भी है वही। अब आपको क्या करनी है, जीरो टू ए है तो जीरो टू ए में ये क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, किस कहां से, इस टेस्ट से, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे यही डिफाइन नहीं था, लेकिन एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये डिफाइन है, तो उस केस में ये अपने आप में ही क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये भी कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है। ये किस लिए कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि ये जो होगा वो उचित समाकल हो जाएगा, प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा, और ये वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो टू ए में इम्प्रॉपर इंटीग्रल रहेगा सेकेंड टाइप का, बट यहाँ पे म्यू टेस्ट करते ये क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल केस में म्यू टेस्ट के द्वारा ये पूरा जो है पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाता है म्यू लेस देन वन है इस कंडीशन से, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमें पता चल जाती है ये क्या है, अभिसारी। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं एक्स इज इक्वल टू वन पे, है ना, इसको कन्वर्जेंट चेक करनी है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हम एफ ऑफ एक्स ले लेंगे,
वन अपॉन इस वैल्यू को लिखेंगे एक्स टू दी पावर वन बाई टू और वन माइनस एक्स टू दी पावर वन बाई टू। अब यहाँ भी हमको क्या करनी है, म्यू को चेक करनी है। म्यू क्या है, तो म्यू जो है वो क्या है हमारे पास वन बाई टू है, मतलब जिस पे x इज इक्वल टू वन रखने से क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा, उसी के पावर को चेक करनी है। तो इसका पावर है वन बाई टू, तो ये वन बाई टू जो होगा वो म्यू इज इक्वल टू वन बाई टू बन जाएगा। अब हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें हम लिखेंगे लिमिट और x टेंस टू बी निगेटिव और आप लिखते हैं एक्स माइनस बी लिखेंगे, बी माइनस एक्स लिखेंगे, बी माइनस एक्स पावर में म्यू और एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखते हैं। तो बी के स्थान पे यहाँ पे है वन, वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट लिखेंगे वन नेगेटिव और आप लिखेंगे बी के जगह में वन एक्स और इसके पावर में आप लिखेंगे वन बाई टू, एफ ऑफ एक्स की जगह में आप इस वैल्यू को रखेंगे तो एक्स टू की पावर वन बाई टू वन माइनस एक्स होल पावर में वन बाई टू। अभी ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे आपको मिलेगा केवल ये, है ना, तो मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू वन नेगेटिव वन अपॉन x टू द पावर वन बाई टू। अब इसको h में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू जीरो आप लिख सकते हैं वन अपॉन यहाँ लिखेंगे जीरो माइनस x के पावर में वन बाई टू। अब लिमिट लिखेंगे h टेंस टू जीरो और वन अपॉन यहाँ जीरो माइनस वन ना होके वन माइनस एच होता है ना, जब क्योंकि वन नेगेटिव है ना तो a माइनस एच होगा तो a माइनस वन की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा वन माइनस एच। अब वैल्यू पुट कर सकते हो इस जीरो को तो यहाँ पे वन माइनस जीरो के पावर में हो जाएगा वन बाई टू, इसको हटाते हैं एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो अब टोटल आपको मिलेगा वन अपॉन वन दैट इज वन ही मिला, है ना। तो इसमें भी क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट लिमिट है परिमित मान मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस केस से ये पता चलेगा केवल म्यू टेस्ट अप्लाई करना है कि म्यू का मान क्या है, तो म्यू का मान लेस देन वन है इसलिए हमारा जो टेस्ट है म्यू टेस्ट से ये जो हमारा फंक्शन है जीरो टू वन डी एक्स और एक्स टू द पावर वन बाई टू और वन माइनस एक्स टू द पावर वन बाई टू, इसका एक फंक्शन जो होगा जिसको मैं बोलूंगा जीरो से ए और डी एक्स एक्स टू द पावर वन बाई टू वन माइनस एक्स के पावर में वन बाई टू प्लस यहाँ पे लिखेंगे ए से लेके वन तक का डी एक्स और एक्स टू द पावर वन बाई टू वन माइनस एक्स टू द पावर में वन बाई टू, ये वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पे कन्वर्जेंट मिला है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि वन पे यही अनडिफाइंड था तो ये वाला जो फंक्शन है वो इस म्यू टेस्ट से ये कन्वर्जेंट मिला है। अब जो बच गया वो कौन बचा, जीरो से ए वाला जो है। अब जीरो से ए तो मैं एक्स इज इक्वल टू वन यहाँ पे तो नहीं रखूंगा क्योंकि जीरो से ए रखने का मतलब होता है कि जीरो और ए के बीच का, मतलब जीरो और वन के बीच में क्या है ए रखा गया है, तो हम इस जगह में यहाँ तक पहुंच एक लिमिट है जीरो टू वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है और n के किस मान पे ये कन्वर्जेंट है ये चेक करनी है हमको, और या फिर डाइवर्जेंट है तो n के किस मान पे डाइवर्जेंट है ऐसा चेक करना है। तो इसको भी हम म्यू टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं, तरीके क्या है देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये हमारा क्या है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हम मान रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये वैल्यू हमने मान लिया एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास म्यू नहीं है, म्यू हमको नहीं पता कि क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको पहले चेक करेंगे कि कहाँ पे ये जो है अनबाउंडेड है। तो जैसे आप क्या करते हो अनबाउंडेड के लिए आप केस लिखेंगे कि फर्स्ट केस हम लिखते हैं यदि n की वैल्यू लेस देन वन हो जाए, है ना, n की वैल्यू लेस देन वन, तो लेस देन वन होने से क्या हो सकती है चेक करेंगे। तो यदि n की वैल्यू लेस देन वन हो तो उस केस में ध्यान दिया जाए तो n माइनस वन लेस देन जीरो होगा, ये वन जो है इधर ट्रांसफर होगा और n माइनस वन लेस देन जीरो, n माइनस वन लेस देन जीरो का मतलब ये नेगेटिव पावर हो गया, है ना, मतलब n माइनस वन जो हो गया वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव होने का मतलब है इस x को पॉजिटिव बनाने के लिए, मतलब इसके पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ला सकता हूँ, है ना, मैं क्या कर सकता हूँ इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ला सकता हूँ। यदि मैं इसको नीचे लाऊंगा
और लिमिट रखूंगा x टेंस टू जीरो। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं लिमिट रखता हूं x टेंस टू जीरो और f ऑफ x से कुछ इस तरीके से लिखता हूं, तो लिमिट x टेंस टू जीरो और e टू द पावर माइनस x और इस x को नीचे लाऊंगा, तो यहां पे x पावर में क्या लिखा जाएगा माइनस n माइनस 1 नीचे लाया, तो ये तो नेगेटिव था, n माइनस 1 नेगेटिव है, उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव पावर है, जैसे एक से के पावर में दो है या तीन है ऐसा कुछ है मान लीजिए। तो यदि आप x टेंस टू जीरो रख दोगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, ये इनफाइनाइट बन जाएगा। x टेंस टू जीरो रखने से क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट, क्योंकि x का स्क्वायर है समझ में, पॉजिटिव पावर है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो ये पॉजिटिव बनेगा। तो यदि आप x टेंस टू जीरो रखते हो तो ये वैल्यू बन जाएगा इनफाइनाइट, है ना, और e टू द पावर जीरो का मान तो वन ही रहेगा, तो ये वन अपॉन जीरो दैट इज इनफाइनाइट, है ना, तो यहाँ पे वन अपॉन जीरो दैट इज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट होने का मतलब ये हो रहा है कि n लेस देन वन के कंडीशन में f ऑफ x जो है वो क्या है, अनबाउंडेड है। कहाँ पे अनबाउंडेड है, x इज इक्वल टू जीरो पे, जो f ऑफ x है x टू द पावर n माइनस वन e टू द पावर x, x इज इक्वल टू जीरो पर ये क्या है, अनबाउंडेड है या अपरिबद्ध है ऐसा कहेंगे। अपरिबद्ध क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ये अनडिफाइंड हो रहा है x इज इक्वल टू जीरो पर, ठीक है, तो ये अपरिबद्ध हो गया। और इसी केस के हिसाब से जब भी फाइनाइट लिमिट दिया गया हो और फंक्शन जो है किसी लोअर लिमिट या अपर लिमिट में अनबाउंडेड हो तब हम म्यू टेस्ट अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे हम म्यू टेस्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो लिमिट x टेंस टू जीरो, चूंकि जीरो ही है और जीरो नेगेटिव करूँ या जीरो पॉजिटिव करूँ उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी जीरो प्लस करने से पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ लिमिट x टेंस टू जीरो और x की पावर में म्यू लिखूंगा और f ऑफ x लिखूंगा, क्योंकि मेरे को म्यू नहीं पता, म्यू की वैल्यू निकालनी है इसलिए हम म्यू मान के चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो, फिर x टू द पावर यहाँ पे म्यू f ऑफ x की वैल्यू को आप रखोगे तो x पावर में n माइनस वन e टू द पावर माइनस x। अब इन ये दोनों पावर जो होगा वो जुड़ जाएगा, क्योंकि एक ही बेस जो है वो एक ही है, इसलिए दोनों पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, तो x टू द पावर जीरो यहाँ पे आप लिखेंगे x टेंस टू जीरो और x टू द पावर में म्यू प्लस n माइनस वन e टू द पावर माइनस x ऐसे लिखेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, लिमिट पुट करने वाले हैं यहाँ पे, है ना, तो लिमिट पुट करेंगे तो x की वैल्यू जीरो रख देंगे यहाँ पे, है ना, तो x की वैल्यू जीरो रखेंगे और e टू द पावर जीरो रखेंगे, तो इसकी वजह से तो वन हो गया, क्योंकि e टू पावर जीरो जो है वन हो जाएगा। ये कब वन होगा उस पर ध्यान दीजिएगा, ये कब वन हो सकता है और कब वन नहीं होगा, मतलब उस पर थोड़ा सा समझना है, ठीक है, तो ये कब वन नहीं होगा या फिर कब ये फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, है ना, ये वैल्यू कब फाइनाइट होगा, है ना, तो इसके लिए आपको क्या करनी है, चेक करनी है कि कब फाइनाइट होगा, तो हम म्यू प्लस एन माइनस वन लेस देन होगा, लेस देन वन होगा या ग्रेटर देन वन होगा, ये चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लेस देन वन हो रहा है या ग्रेटर देन वन हो रहा है ये चेक करने के लिए सबसे पहले इसको हम जीरो पावर रखते हैं, क्यों, पहले जीरो पावर रखेंगे तो एक्स पावर में जीरो ये वन हो जाएगा, फिर लिमिट हमको पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि म्यू प्लस एन माइनस वन को मैं जीरो ले सकता हूँ, यहां से मेरे को म्यू का मान मिल जाएगा, ठीक है, तो म्यू का मान मेरे को ले निकालना है इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैं जीरो रखूंगा तो हमारा जो लिमिट है, लिमिट x टेंस टू जीरो x टू द पावर म्यू f ऑफ x का जो मान होगा वो x पावर में जीरो और e टू द पावर माइनस x रहेगा। अब जब जैसे ही आप x टेंस टू जीरो रखोगे तो ये भी पावर जीरो होगा, ये भी पावर जीरो होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x पावर में जीरो की वजह से पहले ही वन हो जा रहेगा और ये वाला e टू द पावर जीरो की वजह से वन हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, ये x पावर में जीरो e टू द पावर माइनस x, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब हम लिखेंगे लिमिट x टू द पावर जीरो e टू द पावर x टेंस टू जीरो e टू द पावर माइनस x, ये वैल्यू वन हो चुका है। अब इसका मान आप रखेंगे तो e टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, दैट इज फाइनाइट
वैल्यू, ठीक है। अब फाइनाइट वैल्यू मिला और फाइनाइट वैल्यू के बाद हमको म्यू को चेक करनी होती है, तो म्यू का मान यहां से निकल जाएगा क्योंकि हमने म्यू प्लस क्या किया है, एन माइनस वन इक्वल टू जीरो किया है, तो म्यू का मान हम निकालेंगे तो वन को इधर ट्रांसफर करिए पॉजिटिव, एन जो है नेगेटिव, तो ये वैल्यू हमको मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये फाइनाइट रेंज में है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड का है ना, मतलब द्वितीय प्रकार का विषम समाकल है, तो द्वितीय प्रकार के विषम समाकल के लिए जो म्यू टेस्ट होती है उसके कन्वर्जेंट के लिए हम हमेशा जानते हैं कि म्यू लेस देन वन पे ये कन्वर्जेंट होता है, कौन आई जो है वो कन्वर्जेंट होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे म्यू की वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, म्यू की वैल्यू वन माइनस एन और ये होगा वन, ठीक है। अब इस एन को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, वन को इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो ये वन, या फिर ऐसा भी कर सकते हो दोनों साइड में वन वन है तो हटा दीजिए तो माइनस एन लेस देन जीरो आ जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हैं इस एन को इधर ट्रांसफर करिए और जीरो को इधर ट्रांसफर तो नहीं कर सकते, तो आप क्या करिए नेगेटिव, वैसे भी नेगेटिव वैल्यू जो होगा वो जीरो से छोटा ही होगा, तो जीरो लेस देन एन भी कर सकता हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, या फिर इसको इधर ट्रांसफर कर दिया या इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, एन इधर बड़ा हो जाएगा और ये जीरो जो होगा वो छोटा हो जाएगा, तो आपको क्या मिला कि एन की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ा है, एन की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ा है, और दूसरी केस ये होगा कि वन से छोटा होना चाहिए, दूसरी केस क्या होना चाहिए, वन से छोटा होना चाहिए, तो उस केस में क्योंकि हमने पहले ही लिखा है ये, है ना, शुरुआत का कंडीशन ही लिया कि n इज लेस देन वन और यहां से हमको क्या मिला जीरो, मतलब जीरो इज लेस देन वन, जीरो इज लेस देन n, है ना, और इस वन को यहां अप्लाई कर दिया तो n की वैल्यू जीरो और वन के बीच होने पर हमारा जो सीरीज है मतलब इंटीग्रल जो है वो क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो रहा है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि n के किस मान पे ये कन्वर्जेंट है, तो n के किस मान पे कन्वर्जेंट है, जीरो और वन के बीच में n का कोई भी मान होगा वहां पे ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डाइवर्जेंस कहां पे होगा, है ना, तो डाइवर्जेंस कहां पे होगा, सिंपल सी बात है कि यदि म्यू का मान ग्रेटर देन आर इक्वल वन हो तो वहां पे इंटीग्रल जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, जो भी हमारा इंटीग्रल ये दिया है वो क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट बन जाएगा। तो इस केस में हम लिखेंगे n माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल वन, है ना, तो यहां से सॉरी वन माइनस एन ग्रेटर देन आर इक्वल वन, क्योंकि आपने म्यू निकाला है वन माइनस एन, ठीक है, तो इस वन वन दोनों साइड से कटेगा तो माइनस एन ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो ये तो संभव है नहीं, है ना, तो आप क्या करेंगे यहां से एन को इधर ट्रांसफर करिए, एन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस एन और हम लिख सकते हैं यहाँ पे वन इधर आएगा और ये इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल एन होगा, ये जीरो होगा ये ग्रेटर देन एन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसफर जब करेंगे तो ये चेंजेस होगा, क्या चेंजेस होगा, माइनस वाले को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो साइन में चेंजेस आते हैं, तो ये साइन चेंज होगा, नहीं ठीक है ये ऐसा होगा, ठीक है, और यहां पे हम क्या कर सकते हैं, दूसरा केस भी अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे दूसरा केस अप्लाई करेंगे, एक तो जीरो से लेके एन ग्रेटर देन वन पे ये तो वैसे भी एन की वैल्यू जीरो से क्या है छोटा होगा, जीरो से छोटा होगा तो उस केस में ये क्या हो सकता है डाइवर्जेंट होगा, एन की वैल्यू यदि जीरो से छोटा होता है, जीरो बड़ा है यहाँ पे और एन जो है वो छोटा है, तो एन की वैल्यू जो है जीरो से छोटा होता है तो उस केस में मतलब इससे भी छोटा होगा, है कि नहीं, तो आप क्या बोल रहे हैं इसको, सिंपल बोल रहे हैं कि एन इज लेस देन आर इक्वल जीरो, इस केस को देखा जाए तो, है ना, n is less than or equal to 0, तो n का मान यदि 0 से छोटा होगा तो उस केस में डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि म्यू ग्रेटर देन 1 पे ये डाइवर्जेंट होता है, ग्रेटर देन or equal 1 पे डाइवर्जेंट होगा, तो इस केस में जो इंटीग्रल होगा वो डाइवर्जेंट बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा म्यू टेस्ट सिंपल क्या कह रहा है कि म्यू यदि लेस देन हो तो वो कन्वर्जेंट, यदि ग्रेटर देन हो तो वो डाइवर्जेंट, ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पे